नमस्कार, जीरो से जीनियस तक की इस स्पेशल वन लाइनर वीडियो क्विज टेस्ट में स्वागत है आपका। हमारा प्रयास है आपको कम समय में ज़्यादा सवालों को रिवीजन करवाना। तो इस वीडियो क्विज टेस्ट में टोटल आपसे वन लाइनर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके जवाब भी बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके इस 30 प्रश्नों में कम से कम 15 सवालों का सही जवाब हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 3 सेकेंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को भी रोक सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर टू, एक विश्व कप क्रिकेट में 5 शतक बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन हैं? आंसर होगा रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन हैं? बहुत चर्चित सवाल है। सही आंसर होगा विवेक जोशी। क्वेश्चन नंबर फोर, लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना? आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर फाइव, मिलन 2020 क्या है? मिलन 2020 क्या है? सही आंसर होगा नौ सैनिक अभ्यास। क्वेश्चन नंबर सिक्स, देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आंसर होगा आठ। पहले 7 था, फिर 9 हुआ, अब 8 हो गए। ओके, कंफर्म रहिए कि 8 ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? आंसर होगा साना मरीन। क्वेश्चन नंबर एट, स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर होगा अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर नाइन, ईरान की संसद का नाम क्या है? आंसर होगा मजलिस। क्वेश्चन नंबर टेन, मिलन 2020 कहाँ आयोजित होगा? आंसर होगा विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर इलेवन, और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो आप अपने लाइक करें और चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? सवाल क्या है, विटामिन होते हैं? विटामिन कार्बनिक होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? सही आंसर होगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर 14, इराक की संसद का नाम क्या है?
आंसर होगा नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 15, भून किसमें बनता है, बीज या फल? आंसर होगा बीज। क्वेश्चन नंबर 16, बायोडीजल पौधा है? आंसर होगा जेटोफ्रा। बायोडीजल जेटोफ्रा नामक पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, देश का पहला बायोडीजल प्लांट कहाँ लगाया गया है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में 42 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है? आंसर होगा क्यूबा। और कौन है? मैनुअल मारेरो। क्वेश्चन नंबर 19, निपाह क्या है? आपने नाम सुना होगा। आंसर होगा वायरस। क्वेश्चन नंबर 20, आरबीआई कितने महीने के अंतराल पर मौद्रिक नीति जारी करता है? आंसर है 2 महीना। क्वेश्चन नंबर 21, एक जिला एक उत्पाद किस राज्य की योजना है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? सही आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 24, तपेदिक का कारण है? तपेदिक का कारण है? आंसर होगा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 25, इबोला क्या है, बैक्टीरिया या वायरस? आंसर होगा वायरस, इबोला वायरस है। क्वेश्चन नंबर 26, पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस पूरे वर्ल्ड में फेमस है? आंसर होगा मुराह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर होगा गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 29, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? आंसर होगा चीन। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करिए। ये आप लोग के रिक्वायरमेंट पे वीडियो हमने बनाया कि आप सर क्वेश्चन को थोड़ा लेवल अच्छा करिए, तो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल अच्छा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है,
यदि आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं तो आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? यदि इसका भी राइट आंसर आपको पता है, दो में से एक का आंसर भी पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप चाहे तो दोनों का भी आंसर और लगाकर दे सकते हैं। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, रेगुलर रहिए, आपका जीके जरूर अच्छे होते चले जाएंगे। आप कोचिंग स्कूल ट्यूशन सेल्फ स्टडी जो करते हैं करते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।